ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये कॉन्सेप्ट है गाइस काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। एंड गाइस आप सभी को इस फोटो को एडिट करने के लिए आप सभी को अपनी दो फोटो क्लिक करवाना पड़ेगा। एंड गाइस आप किसी भी हाईवे पे या रोड पे किसी भी कहीं भी जगह पे आप दो फोटो क्लिक करवा सकते हो। अदरवाइज गाइस आपको कैसे एडिट करना है गाइस सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर गाइस अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। बाकी गाइस अगर आप लोग ऐसी फोटो एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इजीली जाकर वहां पे चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को जो पहला फोटो जो होगा गाइस आपको सिंपली पहले इसको ओपन करना है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये मशीन का पहला कौन सा पहला फोटो है, तो गाइस जिसमें मैं आप सभी को दूसरा मॉडल कैसे ऐड करना वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस ऐसा हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड गाइस दूसरे मॉडल कहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे, तो ऐसे हम दूसरे मॉडल को ले लेते हैं एंड गाइस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस दूसरा मॉडल लेने के बाद आपको कुछ हिसाब से फुल स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस की ओपेसिटी आपको यहाँ पे कम कर लेना है। ओपेसिटी कम कर देने के बाद आपको गाइस जाना इरेजर टूल में, इसकी हार्डनेस को यहाँ पे फुल कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी को फोटो को जूम करके गाइस आपको ये जो मतलब कि आपका जो नीचे का जो मॉडल है आपको सिंपली गाइस उस वाले एरिया से जो आपके जितने भी पैर है वहाँ तक का एरिया आपको पूरा इरेज कर लेना है। तो गाइस मैं इसको फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, देखिए हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से एकदम लगा दिए, दोनों मॉडल ऐड हो चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे हमको डन करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ब्लड का पीएनजी लेना है गाइस, ठीक है। एंड ब्लड का पीएनजी आपको गाइस लगाना कैसे वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले तो गाइस आपको उसका तो पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ठीक है गाइस, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे ब्लेंड में, इसके बाद जाएंगे गाइस यहाँ से मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड गाइस जितना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आपको गाइस ये ब्लड का पीएनजी कुछ स्टेप से नीचे रखना है। एंड गाइस जो नीचे वाला पॉइंट है आपको सिंपली कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ कर देना है। एंड गाइस इसको आप सभी को कुछ स्टेप से यहाँ पे जो जमीन है वहाँ पे रख देना है। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक सा लग रहा है कि यहाँ पे ब्लड जो है यहाँ पे नीचे गिर रखा है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी यहाँ पे आपको कम कर लेना है, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को ऐड डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को गाइस यहाँ से जाना दोबारा ऐड फोटो में, क्योंकि गाइस अभी इसमें हमारा जो है मतलब कि सब कुछ अभी लगाया नहीं हमने, तो यहाँ पे अभी लाइट भी लगानी है हमें, तो लाइट का पीएनजी लेंगे यहाँ पे। एंड लाइट का पीएनजी लेने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को यहाँ पे इसका पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ठीक है। तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको यहाँ पे रखना है इसको स्क्रीन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को सिंपली बाइक का जो आगे का एरिया इसके ऊपर इस टाइप से ऐसे लगा देना है, ठीक है। अगर आप लोग भी गाइस बाइक वाइक का यूज़ करते हो तो आप इसे भी लगा सकते हैं, फिर आप अपने सन की तरफ भी यूज़ कर सकते हो इसको, मतलब अपने बैकग्राउंड में, ठीक है, स्काई के ऊपर। फिर इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन करना है। एंड गाइस इसके बाद क्या करना, आप सभी को दोबारा से जाना ऐड फोटो में, क्योंकि गाइस ऐड फोटो में जैसे हमें एक पीएनजी लेना है, जो कि गाइस वो पीएनजी से आपको क्या करना, आपको जो एंजल के ऊपर जो होता है ना पीएनजी गाइस, वो वाला पीएनजी गाइस, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड हो जाएगा, एंड इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है। एंड गाइस की ओपेसिटी जो होगी आपको अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे जो हमारा पिक्सल का काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है, तो अब हम इस फोटो को यहाँ पे सेव करेंगे। एंड सेव करके इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑटो वाला ऑप्शन है जिसको सिलेक्ट करना है। एंड गाइस इसके बाद आपको इसकी लाइटिंग अगर परफेक्ट लगती है तो ठीक है, वरना अगर नहीं लगती तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, एंड ऐसा डायरेक्ट जाना मिक्स वाला ऑप्शन में। फिर आपको जाना है इस येलो कलर में, आपको उसका ह्यू चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड का, ठीक है। एंड इसका सैचुरेशन हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर जिसका भी सैचुरेशन माइनस रखेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ पे डार्क ब्लू में जाना है। इसको गाइस ब्लू कलर है ना जो टी शर्ट का, वो ज्यादा लग रहा था, इसका सैचुरेशन माइनस रखेंगे। एंड जाएंगे इसके बाद यहाँ से हम गाइस कलर के नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो अपने हिसाब से आपको डाल देना है, क्योंकि गाइस किसी को विग्नेट चाहिए होता है किसी को नहीं, तो आपको अपने हिसाब से डालना है। फिर गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से फिर करना, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको नोइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोइज रिडक्शन, ठीक है, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं। एंड गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।